हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर की खीर, जो झटपट बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। गाजर की खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा केजी गाजर ली है, इनको धो के पोंछ के ले लिया है। अब हम गाजर को कद्दूकस करेंगे। मैं बारीक वाले से कद्दूकस कर रही हूँ, जिससे हमारी गाजर जल्दी से गल जाएंगी। इसी तरह से हम सभी गाजर कद्दूकस कर लेंगे। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कैसी गाजर कद्दूकस कर रही हूँ। देखो कितने बारीक लच्छे आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे गाजर कद्दूकस कर ली हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पतीले में दूध रख दिया है, जो हमारा एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर। पहले तो मैं एक बाउल में थोड़ा सा दूध निकाल लेती हूँ, इस कटोरी में एक चम्मच, जिसमें हम डालेंगे केसर के कुछ धागे। गरम दूध में केसर डालने से वो अपना कलर अच्छे से छोड़ देगा। केसर के धागे डाल के इसको साइड में रख देते हैं। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे गाजर। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें गाजर डाल देते हैं। जो हमने कद्दूकस करके रखी थी वो सभी गाजर इसमें डाल देंगे। गाजर डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। खीर को हमें जब तक पकाना है, जब तक इसमें अच्छी सी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए और ये गाजर हमारी गल ना जाए, तब तक हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। हाई भी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी खीर उबल जाएगी। मैंने यहाँ पे काजू बादाम कट कर लिए हैं। खीर में उबाल आने लगा है, इसको लगातार चलाते रहेंगे बीच बीच में, जिससे हमारी खीर लगेगी भी नहीं। मैंने यहाँ पे गाय का दूध लिया था। अगर आप भैंस का दूध ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, खीर आपकी बहुत गाढ़ी बनेगी। क्योंकि मेरे बच्चों को तो गाय का दूध पसंद है, भैंस के में नहीं खाते हैं, तो मैंने यहाँ पे गाय का दूध लिया है। हमारी खीर थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है, तो इसको थोड़ा और गाढ़ा करने के लिए जल्दी से मैं इसमें 2-3 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, नहीं भैंस का दूध ले रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिल्क पाउडर की। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिला दूंगी। खीर हमारी बहुत गाढ़ी हो चुकी है, अब हम इसमें कुछ मीठा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी से थोड़ी ज़्यादा चीनी ली है, वो इसमें डाल दी है। मीठा आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमने केसर का दूध रखा था वो भी इसमें डाल के मिला देंगे, जिससे हमारे अच्छे से कलर और छोड़ देगा। जो हमने ड्राई फ्रूट कट किए थे वो भी अब इसमें डाल देते हैं। गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा के रख लेंगे और बाकी के सभी इसमें डाल देंगे। अब आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पका लेंगे, जिससे हमारे ड्राई फ्रूट ये सभी अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारी खीर लगभग बन के तैयार ही है। खीर हमारी तैयार हो गई है, थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है। अब इसे एक कटोरी में डाल लेते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि खीर बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखो मैंने यहाँ पर खीर डाल ली है, अब इसे पिस्ते से गार्निश कर देते हैं। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड एंड बाय बाय।